ये नौजवान जो जा रहे इतनी देर से बैठे थे, मैं यकीन से कहता हूँ ये पूरी जिंदगी में गुस्ल का तरीका इन्हें नहीं आता होगा। दीन की बुनियाद कितनी चीजों पर है, यहाँ तक शायद ही कोई है जो हमें बता दे दीन की बुनियाद कितनी चीजों पर है। इस्लाम कहते किसे है, सिर्फ उछलने और कूदने से नहीं तो सच्चे मुसलमान बनने वाले हो नहीं जन्नत मिलने वाले। उछलने कूदने से बातिल ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर दुनिया की बातिल ताकतों का मुकाबला करना चाहते हो तो उछलने कूदने के बजाय कुरान समझना होगा, मुस्तफा की हदीस समझनी होगी, इस्लाम को समझ करके उस पे अमल करना होगा। जब जाकर समझ में आएगा, जब जाकर कामयाब हो पाओगे और बामुराद हो पाओगे। लेकिन अफसोस है, रात रात भर अगर किससे कहानियां सुनाई जाए, रात रात भर नात खानी हो, मनकबत के अशआर पढ़े जाए, तो हमारा नौजवान खूब उछलता है, खूब कूदता है, रसो सुरूर की महफिल और समा कायम करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा सीधा सादा भोला मुसलमान है, मुस्तफा का सच्चा शैदाई है, आका का सच्चा चाहने वाला है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आपने कहा हमारे यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अराकीन से, इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ मुख्तलिफ अकाइद के लोग रहते हैं तो ऐसी जगह पे क्या नात खाने से दूसरे अकीदे का आदमी आपसे मुतासिर होगा? क्या ऐसी जगह पे लतीफा खाने से दूसरे आदमी दूसरे अकीदे का आदमी ये समझेगा कि अहले सुन्नत हक पर है? नहीं, ऐसी जगह पे जरूरत है कि तकरीर हो और कुरान और हदीस की रोशनी में हो, दलाइल की रोशनी में हो, मुस्तफा की सीरत। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है भाई, जरूरत है, नात खानी भी इबादत है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आपका मिजाज मेरे भाई, नात खानी के वक्त बड़ा उछाल और शबाब जोश, हौसलों की बुलंदी का कोई शबाब नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाई जाए तो जहन पे नहीं मालूम कौन सा मनहूस पर्दा हाइल हो जाता है, कौन सा शैतान आकर मुसल्लत हो जाता है कि राहे फिरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। लगता है अब बैठना किरा हो रहा है, याद रखो इसलिए किरा गुजरता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है, इसलिए उलमा के बयान अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कि शैतान जानता है कि अब इनके इस्लाह कर इनकी इस्लाह करने के लिए मुसलह आ गया है, इन्हें हिदायत करने के लिए हादी आ गया है, अब इनके अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए एक वारिसे नबी आ गया है। अब बात होगी तो कुरान से होगी, अब बात होगी तो हदीसे मुस्तफा से होगी, इसलिए इन्हें यहाँ बिठाया न जाए, अपने साथ लेकर चल दिया जाए, इसलिए कि ये बैठा रहेगा तो मेरे साथ जहन्नम में नहीं जन्नत में चला जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि तू चल चल चल। शैतान नहीं चाहता कि तू जन्नत में जाए, इसलिए शैतान कोशिश करता है कि आप अच्छी बातें न सुनो। अभी हमारे भाई शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी साहब को आपने समाप्त किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हजरत आप उनकी नात को समझने के लिए भी जरूरी है उलमा के तकारीर को समझे, इसलिए कि नात का मफहूम समझे नहीं, सिर्फ तरन्नुम और धुन के बहाव में बह गए। याद रखना ये सारा कुछ बेसूद है, बेकार है, अबस है, इसलिए लोगों होश के नाखून लो और शोर आगाही के दरवाजे को दस्तक दो, हक को समझो और समझने की कोशिश करो। अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो मैं अपनी कुछ बातें अर्ज करूंगा, आप वादा करते है मुझसे, हाथ उठाकर बोलिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बैठेंगे तो मैं कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचाऊंगा। आइए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद
सल्लु अलैहि व आलिही व अहले बैतिही व सहाबीही व ज़ुर्रियातिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम। हजरत, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का नाम भारत है और यकीनन अपने मुल्क से हमें बड़ा प्यार है, लेकिन प्यारे इस भारत में हम होते हुए जबकि दुनिया के 86 ममालिक जो जमहूरियत के कायल है, दावेदार है, उन तमाम ममालिक में बड़ा जमहूरी मुल्क भारत को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, लेकिन आज भारत की इतनी बड़ी जमहूरियत के बावजूद हमें यहाँ दबाया जा रहा है, हमें यहाँ सताया जा रहा है। हमारे आईन, हमारे मजहबी दस्तूर पर, हमारे मजहबी हुकूक पर लोग दिशा सनी करने की कोशिशें कर रहे हैं। हजरात, ऐसे मौके से क्या करना होगा? अभी हाल के 1-1.5 महीने से हिजाब का मामला बड़ा जोरों पर है। हिजाब नकाब के मामले को लेकर के दुश्मन ताकतें चाहती है कि आपकी बहन बेटियां बरसरे आम नंगी नाच नाचे जैसे उनकी बेटियां नाचा करती है, बेहयाई का मुजाहरा करे और उरिया जिंदगी गुजारे। याद रखे प्यारे, इस्लाम ने हिजाब के ताल्लुक से क्या पैगाम दिया? हम जिस खुदा के दीन को मानते हैं, उस दीन का मैसेज क्या है? कुरान कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका वो बनातिका वो निसाइल मोमिनीन। ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, कुरान में क्या कहा गया? हबीब, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से वो बनातिका और अपनी बेटियों से, उसके बाद तमाम मोमिना औरतों से क्या फरमाने का हुक्म दिया गया? फरमाने का ये हुक्म दिया गया, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलबाबिहिन्ना। अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हारे पास चादर है उसका एक हिस्सा अपने ऊपर ढक लिया करो, डाल लिया करो। पता ये चला कि हिजाब का हुक्म हमें किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, हमारे परवरदिगार ने दिया है, रब्बे जलाल ने दिया है, खालिके कायनात ने दिया है। हजरात, जरा देखें कुरान की आयत का मफहूम मुलाहिजा करें और हिकमत मुलाहिजा करें कि इस कुरान की आयत ने हमें क्या ज़हन दिया। हजरात, लोग कहेंगे कि हिजाब जुल्म है, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम हुकूक को सल्ब करने की बात करता है, इस्लाम आजादी नस्वा का कायल नहीं है। याद रखे, इस्लाम ने औरतों को जो आजादी दी है किसी और मजहब ने नहीं दी है, किसी और रिलीजन और धर्म में वो आजादी नहीं है, इसलिए कि इस्लाम से पहले की तारीख हमारे सामने है। जरा तारीख पढ़ के देखो तो समझ में आएगा, इस्लाम के आमद से पहले न तो बेटियों की कोई इज्जत थी, न बहनों का कोई वकार था, न माओं के तकद्दस का एहतराम किया जाता था, लेकिन पैगंबर आखिरी समय तशरीफ ले आए तो पैगंबर ने माँ बहन बेटी के हुकूक जमाने को समझाए हैं। नबी रहमत ने औरतों को जिंदा जीने का हक अता फरमाया है। हजरात, लोग कहते हैं इस्लाम जुल्म करता है, याद रखे इस्लाम जुल्म नहीं करता। इस्लाम ने हिजाब का हुक्म इसलिए दिया ताकि हमारी बहन बहन बेटियों की इज्जत महफूज रहे, वो सरे बाजार नीलाम न हो पाए, उनकी इज्जतों इज्जतों इफ्फत का सौदा कोई कहीं नहीं हो पाए, कहीं गुंडे या भगवा थारी उन्हें अपना लुकमाए करने वाले। इसलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। हजरात, जब तक माए पर्दा करती रही है, जब तक खवातीन पर्दा करती रही है, हमारी तारीख शाहिद है। आज दारुल गौसिया चिश्तिया के जलसे में बैठने वालों, ये जो गौसिया आजम है या गरीब नवाज है, किसी भी ये पर्दा माँ की औलाद नहीं है, बल्कि इनका पर्दा खातून के बेटे का नाम गौसिया आजम है, और इनका पर्दा खातून को शर्त के शहजादे को जमाना गरीब नवाज का करता है। हाजा मोइनुद्दीन हसन संगरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। हजरात, हुआ क्या? स्कूल कॉलेज में, ये कर्नाटक है और कितना आप सीखे, मेरी बहन भी अगर सुन रही है तो गौर करें, हमारी माए भी गौर करें। कर्नाटक के ओडीपी में, शिमोगा के इलाके में एक कॉलेज पे हमारी कुछ बहन बुरके पे, बुरका तो नहीं बल्कि हिजाब का पाबंद हो करके पर्दे में हया के साथ तालीम के हुसूल के लिए जा रही है। हजरात, ऐसे मौके से कुछ शरपसंद अनासिर
अपना सर उभारते हैं। उभारने के बाद उन्हें पहले रोका जाता है, पहले मना किया जाता है, फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में यह फितना फैलाया जाता है कि हिजाब पर पाबंदी आयद की जाए, लोगों के औरतों इस्लाम की बेटियों के सरों से दुपट्टा खींच लिया जाए। हजरत ऐसे ही माहौल में, माहौल गर्म है, इस्लाम की एक शहजादी है जिसका नाम मुस्कान बिन्त मोहम्मद हुसैन है, जाती है कॉलेज के दरवाजे पर और तनहा है, जरा देखे बाहिजाब है, पर्दे में है, हया के साथ है। हजरत पर्दे में स्कूल कॉलेज के दरवाजे पे जो ही पहुंचती है, भगवाधारियों ने, शरपसंद अनासिर ने, कुछ आतंकवादों ने, कुछ दहशतगर्द गुंडों ने उन्हें घेर लिया है। उनके हाथों में भगवा झंडे हैं और जबान से ये नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे माहौल में अगर कोई आम बेटी होती तो वो बिल्कुल खा गई होती, लाजवाब हो गई होती, उसका जिस्म लर्दा बरंदाम हो गया होता। हजरत ऐसे माहौल में एक इस्लाम की बेटी है, ए जवानों, ए बुजुर्गों, अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करो, अपनी बेटियों को ऐसे सवारो जैसे मोहम्मद हुसैन खान ने अपनी बेटी मुस्कान को सवारा है। कैसे डर के माहौल में, ऐसे भयानक भयानक मामले में, हजरत ऐसी वहशतनाक भीड़ के सामने उस बेटी ने, उन लोगों ने नारे तक, उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया है, इस्लाम की शहजादी ने उस नारे का जवाब बगैर डरे सहमे हुए तकबीर और रिसालत से दिया है, नारे तकबीर लगा करके बता दिया है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा, आसान ही मिटाना नामो निशा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। परवरदिगार हमारे इन बुजुर्ग उलमा को सलामत रखे, इसलिए कि हमारे मोहसिन है, ये हमारे करम फरमा है, अगर ये न होते तो दीन की समझ और दीन का शऊर हमें नहीं हासिल हुआ होता। हजरत उस बेटी ने उस भीड़ में तन्हाई के आलम में अपने खुदा को पुकारा है, जब उससे पूछा गया आखिर तुम्हें डर जाना चाहिए था, ऐसे आलम में तुमने तकबीर की सदाएं क्यों बुलंद की, तो वो शहजादी कहती है जब मैं डरती हूँ अपने खुदा को याद करती हूँ, जब डरती हूँ अपने मौला को पुकार लिया करती हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज तकबीर की सीने में तभी रखते हैं, यकीनन जो मोमिन होगा वो तकबीर की आग सीने में हमेशा तभी रखेगा जब जब बातिल ताकत है उसके सामने आएगी और ललकारेगी, वो तकबीर की आवाज बुलंद करके खुद को भी बचाएगा, दीन का भी दफ करेगा, अपने इस्लाम का भी दफ करेगा। हजरत आप तकबीर की सीने में तभी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। ये हमारे भाई राहत साहब नाज़िम इजलास बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। होता यह है कि आखिरी खतीब को बिठाए पूरा स्टेज खाली हो गया, हमारे अजमत भाई को मौला मजीद अजमतों से नवाजे, ये तमाम लोग बैठे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस बेटी ने हमारी लाज रख ली, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जमाने में एक नाचनिया जब अपनी शोहरत चाहता है, एक डांस करने वाला जब अपनी शोहरत चाहता है, एक फिल्म साज जब अपनी शोहरत चाहता है, हजार हाँ कोशिशें करता है, यहाँ तक कि वो नीम बरहाना हो जाता है, जरूरत पड़ती है तो जिस्म के हर हर हिस्से का कपड़ा उतार फेंकता है, तब जाकर के जाहिलों के बीच उसकी शोहरत होती है, जाहिलों के बीच उसे इज्जत मिलती है। लेकिन याद करो, एक बेटी है, सिर्फ एक आवाज निकली है, वो रब की किबरियाई की आवाज है, खुदा की वहदानियत की आवाज है, अल्लाह की उलूहियत की सदा है, एक आवाज निकली है और ये आवाज पूरी दुनिया के कोशे कोशे में पहुंच जाती है। अमरीका भी मानने पे मजबूर हो गया, इस्लाम को मत ललकारो, इस्लाम की फिजात है, कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही
हफरात आज भी हमारी बेटियां ऐसी हो जाए, हमारी माओं का किरदार ये हो जाए, हमारी बहनों का किरदार ये हो जाए, तो कसम खुदा की इनकलाब पापा होता हुआ नजर आएगा। वो सफीदे सहर आप अपनी आंखों से देखेंगे जिसका आपको इंतजार है। याद रखना सिर्फ दुआओं से।